राम राम ताऊ जी। मैंने सोची थी ताऊ जी आपने बता दूं कि दोगलेपन में आपने कोई पीछे न छोड़ सकता, ऐसा मैं सोचू थी, पर बिग बी ने तो आपने पीछे छोड़ दिया साची। हेलो हेलो ताऊ जी, बुरा मान के लगता है, बिग बी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उन्हें बहुत सारा बुरा भला कह रहे हैं, क्यों जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट गर्ल। भाई साहब, गलती एक बार हो तो उसे गलती कह सकते हैं, दो तीन बार हो तो भी मैं और ताऊ जी गलती कह देंगे, लेकिन ये गलती बार बार कर रहे हैं स्टार, फिर इन्हें गलती कम है कुछ और बवंडर कर दिया इस बार बिग बी ने क्या, चलो बताती हूँ आपको। फ्लिपकार्ट का एक एड उन्होंने रिसेंटली किया बिग बिलियन सेल का, तो उसमें उन्होंने कहा कि छोटी मोटी दुकानों पे आपको ऑफर्स नहीं मिलने वाले, ऑफर चाहिए, चीजें सस्ती चाहिए तो फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करो, यहाँ से सामान मंगाओ। इसमें ऑफेंड कौन होता है? सबसे पहले तो वो लोग जो मतलब छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं। ये सुनने के बाद उनको लगा कि अरे यार बच्चन साहब जो हमारी इतनी तारीफ किया करते थे, हमारे साथ हमेशा रहते थे, हमारे हर डिसीजन में हमें कहते थे बढ़िया कर रहे हो, आज वो हमें ही नीचा दिखा रहे, ऐसे कैसे चलेगा। के कह रहे हो एड नहीं देखा है लो? पहले एड देखो, आगे की बात फिर करें। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज प्रीमियम फोन्स पे डील्स, डील्स तो बाजू का दुकान भी देगा। दिस इज क्रेजी। अरे क्रेजी तो प्रीमियम फोन्स पे डील्स है, दुकान पे आने मिलने वाले। बिग बिलियन डेज नाम ही काफी है। प्रीमियम स्मार्टफोन फ्रॉम फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। एड देख के समझ में आ ही गया होगा, अगर थारा भी कोई बिजनेस है तो तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब अमिताभ बच्चन साहब की बात थोड़ी ठीक नहीं लगी हमें यहाँ पे। तो CAIT ने कहा ट्वीट करके और उन्हें लेटर भेज के कि आप जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, मतलब मिसलीड करने का काम कर रहे हैं, भड़काना तो कहां ही है, आप इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचा रहे हैं, आप हमसे जो है माफी मांगिए, या तो ट्विटर पे मांगिए या लेटर लिख के दीजिए, उसके बाद ही हम आपको माफ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का एड आपने बनाया उससे हम पूरे तरीके से ऑफेंड हो गए और ये चीज बिल्कुल भी कबूल नहीं की जाएगी। अमिताभ बच्चन साहब से सिर्फ इतना कहना है कि कौन बनेगा करोड़पति में उधर आप इमोशनल वीडियो दिखाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस वालों का स्ट्रगल दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पेट पर लात मारने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन साहब से गलती पहली बार हुई है, एक बार उन्होंने एक तंबाकू ब्रांड को एंडोर्स किया था, फिर क्या था, अपने पसंदीदा एक्टर को पान मसाला का प्रमोशन करते देख लोग भड़क गए। अब भले ही उन्होंने ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया हो, लेकिन लोगों के दिल में तो बात रही जाती है। उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया था उन्होंने और कहा था कि अगली बार से उस तरीके की कोई भी इंडोर्समेंट नहीं करेंगे। और आपको बता दूं कि इस तरीके की चीजें सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब ही नहीं, अक्षय कुमार भी कर चुके हैं। उन्होंने भी एक पान मसाला ब्रांड का एडवर्टीजमेंट किया था, माना कि हर मूवी में अपनी मैसेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मैसेज देना भूल गए कि हाँ भैया ये सही चीजें नहीं है, नहीं खानी चाहिए ये सारी चीजें। ये सारी चीजें देखकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और सोशल मीडिया पर उन्होंने माफी मांगी। आपको बता दूं कि शाहरुख खान भी पीछे नहीं है और अजय देवगन भी पीछे नहीं है इस मामले में, वो नहीं पान मसाला को ऐड करते हुए एक बार देखे गए थे, जिसके बाद से लोग भड़क उठे थे इस चीज पे। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं और फिर उसके बाद माफी मांगते हैं, गलती करते तो है ये लोग। तो भाई साहब लास्ट में मैं और ताऊ जी इतना कह रहे हैं कि कोई भी ऐड करो, पैसा कमाना है, पैसा कमाने का मतलब यू को नहीं कि थम कुछ भी ऐड कर दोगे, आप पब्लिक फिगर हैं, आप पर जनता बहुत विश्वास करती है, आपको ऐसा शोभा नहीं देता है, जो भी काम करो सोच समझ कर करो, मूवी करने के टाइम पे तो बड़ा दिमाग लगाते हो तुम, यहाँ ऐड करने में जब भर भर के पैसा आ रहा होता है तो भी थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो जनता प्यार देगी, आप पर फूल बरसाएगी। बाकी चलते हैं आज के वीडियो में, सिर्फ इतना ही, फिल्मी जाट गर्ल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।